कोरोना काल में प्रदेश के छात्र छात्राओं को हो रही परेशानी और सरकारी छात्रवृत्ति ना मिलने के मुद्दे पर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस प्रदेश भर में आगाज अभियान चलाएगी। यह ऐलान युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी नीतीश गौड़ ने किया। नीतीश गौड़ के मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी बनने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश आए गौड़ ने कहा कि कोरोना काल में भी शिक्षण संस्थान छात्र छात्राओं को फीस भरने के लिए परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस प्रदेश के छात्र छात्राओं के हक की लड़ाई लड़ेगी। छात्र छात्राओं को पढ़ाई में और फीस जमा करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकार और प्राइवेट कॉलेज, सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज वाले लगातार ये दबाव बना रहे हैं छात्र छात्राओं पर, वो अपनी फीस जमा करें। और ऊपर से सरकार द्वारा जो छात्रों को छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए, वो छात्रवृत्ति भी 50% छात्रों के पास नहीं पहुंची है। इसको लेकर के एक आगाज नाम का कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हम प्रत्येक छात्र छात्राओं के मध्य जाकर के उन किस छात्र की छात्रवृत्ति नहीं आई है और कितनी नहीं आई है, इसका एक एग्जैक्ट आंकड़ा हम निकालेंगे। उनके मध्य जाएंगे और छात्रों के साथ मिलकर के छात्रों की छात्रवृत्ति एवं फीस माफी की लड़ाई को इस सरकार के समक्ष लड़ने का काम करेंगे। गौरतलब है कि कोरोना के चलते छात्र छात्राओं की आर्थिक स्थिति खराब है, जिसको लेकर पेरेंट्स परेशान हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस के इस अभियान का क्या असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज।